तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार पिछले 14 सालों से ऑडियंस को एंटरटेन करता रहा है। एक दशक बीत जाने के बाद भी ऑडियंस इस शो से बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। आज भी ये शो टीआरपी की लिस्ट में बम्पर रेटिंग के साथ आगे बना रहता है। इस शो ने न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया है बल्कि कई स्टार्स को पॉपुलैरिटी भी दी है। शो के इन्हीं लोकप्रिय कलाकारों में से एक श्याम पाठक भी हैं। श्याम पाठक तारक मेहता शो में पोपट लाल का किरदार अदा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्याम पाठक को असली पॉपुलैरिटी तारक मेहता के पोपट लाल किरदार से ही मिली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टेलीविजन से पहले वो हॉलीवुड फिल्म में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्म। अब हो सकता है कि अभी आप में से कई लोगों को हमारी बात पर यकीन भी ना हो, इसीलिए हम आपके सामने सबूत भी लाए हैं। जी हाँ, दरअसल अपनी इस फिल्म के बारे में खुद श्याम पाठक ने ही कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर करके खुलासा किया था और बताया था कि वो फिल्म कौन सी थी। जून 2021 में श्याम पाठक ने अपने इंस्टाग्राम पेज से उस हॉलीवुड फिल्म से अपने एक सीन का वीडियो पोस्ट किया था और इसी के साथ कैप्शन में लिखा था, वन ऑफ माय ओल्ड एक्ट इन द पास्ट #movie #hollywood #act #anupamkher #old days। श्याम पाठक की फिल्म चाइनीज फिल्म लस्ट कॉप्शन थी। उन्होंने इस फिल्म में अनुपम खेर के साथ स्क्रीन शेयर की थी। 2007 में रिलीज हुई फिल्म में श्याम पाठक का अंदाज एकदम बदला बदला सा नजर आया। इतना ही नहीं, उन्हें इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही तारक मेहता वाले पोपट लाल है। तारक मेहता के पोपट लाल को विदेशी फिल्म में एक्ट करता देख फैंस का दिल भी गदगद हो गया। फैंस श्याम पाठक की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस भी नजर आए। फिल्म में उन्हें देखकर इतना समझ में आ गया कि वो बॉर्न एक्टर है। किसी शो में हो या फिर फिल्म में, अपने अंदाज से हर किसी का वो दिल जीत लेते हैं। लस्ट कॉप्शन के बाद उन्होंने जिस तरह तारक मेहता के जरिए घर घर पहचान बनाई वो बेहद काबिले तारीफ है और आज उनके फैंस उन पर गर्व करते हैं।